यूपीएससी सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे हार्ड और सबसे क्रेजी एग्जाम। ये एग्जाम को पार करने के लिए लोग मन्नतें मांगते हैं, अपने प्यार को वापस पाने के लिए इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। और दिल्ली में एक मुखर्जी नगर नाम का एरिया है जो इस एग्जाम की तैयारी। अबे राइटर, ये सब क्या लिख दिया, हटा इसको। अरे ये तो सबको ऑलरेडी पता ही है ना, फालतू बातें करके स्ट्रेस बढ़ा रहा है। जिसको जो पढ़ना था उसने पढ़ लिया, अब जो 2-5 मिनट का अपनी ब्रेक लिया उसमें बातें करते हैं ना, बाकी तो आई एम श्योर आप फोड़ ही दोगे। पर एग्जाम तो ना मैंने भी बहुत दी और मुझे पता है कि एंड में इतना सारा एक साथ रटने पर काफी चीजें याद नहीं भी रहती, तो इस 5 मिनट के ब्रेक को अब प्रोडक्टिव बनाते हैं। चलो, अब सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स, वो तो बच्चा जानता है। एथिक्स, वो तो आप में होंगे और इसीलिए अब तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। इकोनॉमिक्स वो तो नेता लोगों को भी नहीं आती। हाँ, मिल गया, इंडियन हिस्ट्री। और जुगाड़ू तो मैं बहुत हूं, आज आपको इंडिया की पूरी हिस्ट्री याद करवा के ही रहूंगा। हमारे देश की हिस्ट्री की शुरुआत तो 40 मिलियन साल पहले ही हो गई थी, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एशिया के साथ टकराई थी। लेकिन सैडली आपका प्रोडक्टिव ब्रेक इतना लंबा चलेगा नहीं, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। 3000 से 1500 BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा, जब हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता बनी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हमने बनाए थे मकान, शहर, रोड्स, मिट्टी के खिलौने और गटर, बिल्कुल हमारे कैमरा पर्सन के दिमाग की तरह सही से पकड़ना। फिर आया 1500 से 600 BCE, जब हमारा चला वैदिक पीरियड और हमारे चार वेद और कुछ बुक्स में दुनिया का सारा ज्ञान लिखा गया और वहां से राइज हुआ ब्राह्मणिज्म का। फिर 327 BCE, जब इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दी एक 20 साल के एंग्री यंग मैन ने, जो दुनिया को जीतने निकला था लेकिन उसे वापस खाली हाथ ही जाना पड़ा। हाँ, वही सिकंदर उर्फ एलेक्जेंडर। फिर आया मौर्य डायनेस्टी, जब चाणक्य की नीति चली, अशोका ने अपनी तलवार से खून की होली खेल दी और बुद्धिज्म का प्रचार हुआ। गुप्ता, चोला और पांड्या आए और उन्होंने आर्ट, लिटरेचर और साइंस का डेवलपमेंट किया। और अब शुरू होता है द राइज ऑफ मुस्लिम रूल, 711 CE, यानी कॉमन एरा। और याद रखने के लिए कहें तो करंट एरा। और इसी वक्त पर हबीबी मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान की नापाक जमीन पर सिंधु नदी के किनारे यहां पर कब्जा जमाते रहे। और फिर तो आपको पता ही है, तख्त, जिल्ले लाही, दिल्ली सल्तनत, पानीपत, कहने को जश्न बहारा है, प्यार किया तो डरना क्या से लेकर ताजमहल का 230 से भी ऊपर साल का मुगलों का राज। पर इन सब के पहले रोनाल्डो के चचेरे दादा पोर्टुगल वर्ल्ड चैंपियन, एक्सप्लोरर, अपनी टाइटैनिक पर सवार होकर इलाही मेरा जी आए आए करके इंडिया ढूंढ ही लेते हैं, जिसका नतीजा है ईस्ट इंडिया कंपनी और उनका दुगना लगान। बाय द वे, आज के वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी का CEO कोई संजीव मेहता अपना ब्राउन मुंडा है, कहीं लिख लो, यूपीएससी में काम आ जाएगा, तुमको तो बोल ही सकता हूं ना। और अब तक अगर गाड़ी ट्रैक पर है तो 1853 में इंडियन रेलवेज की मुंबई टू थाने पहली ट्रेन भी हो ही जाएगी, और फिर 1857 का रिवोल्ट, और फिर ब्रिटिश राज, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, और 1915 से 47 तक महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस मूवमेंट, 47 की आजादी, 50 की रिपब्लिक डेमोक्रेसी, 74 का स्माइलिंग बुद्धा और 98 का ऑपरेशन शक्ति, जब इंडिया पहली बार ऑफिशियली एक न्यूक्लियर स्टेट बना था, 2008 में चांद पर पानी ढूंढा, 2016 में जियो का सस्ता रिचार्ज आया और जल्द ही अब इंडियंस को इंडिया के रॉकेट से स्पेस में भेजने का सपना भी पूरा हो जाएगा। पॉइंट्स तो मैंने सारे बता दिए, टाइमलाइन भी याद करवा दी, लेकिन एक सेकेंड, कहीं प्रोडक्टिव ब्रेक का समय और मुहूर्त दोनों निकला तो नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसे और प्रोडक्टिव ब्रेक्स के हैक्स हैं मेरे पास, और आपकी मम्मी भी खुश हो जाएगी और साइड वाली शर्मा आंटी को जाकर कहेगी, मेरा बेटा तो सब बात सुनता है कुकू FM पर। तो चलो, मिलते हैं फाइनल इंटरव्यू की तैयारी में, बेस्ट ऑफ लक, दही चीनी खा के जाना, नजर ना लगे।